हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द ग्रुपिंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मोड। सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई कहाँ करना है, ये हमें कैसे पता लगेगा कि भाई यहाँ ग्रुपिंग मेथड लगाना है या जस्ट बाय इंस्पेक्शन कर देना है। तो सबसे पहले जो मोड की जो डेफिनेशन बताई गई थी वो ये कि कोई भी नंबर किसी सीरीज में जितने ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है वही उस सीरीज का क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। द नंबर दैट मोस्ट अकर्स इन अ सीरीज इज नोन एज द मोडल वैल्यू ऑफ दैट सीरीज। लेकिन अभी यहाँ देखिए, 4 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 10 है और 6 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 10 है। यानी कि जो हाईएस्ट जो वैल्यू है 10, वो हमारे पास दो साइज की है, 4 की और 6 की। तो अब हम यहाँ किसको मोड कहें, जो मॉडल जो वैल्यू है वो तो एक ही हो सकती है, हम 4 को कहें या 6 को कहें। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो दो नंबर की हो रही हो, तो इस केस में मोड डिसाइड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ग्रुपिंग मेथड। या इसके अलावा अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि भाई आपको मोड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, तो वहां भी क्या किया जाता है, ग्रुपिंग मेथड यूज किया जाता है। अब ग्रुपिंग मेथड करने इसकी क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमें बनानी है ग्रुपिंग टेबल। दो टेबल यहां पर बनेगी, एक बनेगी यहां पर ग्रुपिंग टेबल और सेकेंड टेबल बनेगी एनालिसिस टेबल। सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल। तो ग्रुपिंग टेबल के लिए क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग करेंगे और टोटल हमें कितने कॉलम बनाने हैं, 6 कॉलम हम बना के चलेंगे। क्लियर है? जो फ्रीक्वेंसी वाला जो फ्रीक्वेंसी जो गिवन होती है इसे हम फर्स्ट कॉलम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो कॉलम है उसमें हम फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करेंगे कैसे, 1+2 करके। 1+2 ये जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, 1 2 1 2, इसको भी हम 3 4 नहीं कंसिडर करेंगे, 1 2 1 2। और जिसकी ग्रुपिंग नहीं हो पा रही, जिसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, जैसे 2 यहाँ पे सिंगल रह गया है, तो इसकी आगे हम कोई भी ग्रुपिंग नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो देखिए 1+2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो यहां जो हाईएस्ट वैल्यू है उनको सर्कल कर दो। क्लियर? अभी ग्रुपिंग करनी है फ्रीक्वेंसीज की, 1+2 3, फिर 1+2 10+4 हो जाएगा 14, 10+9 हो जाएगा 9। तो अभी यहां 2 सिंगल रह गया, इसके साथ किसी फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग नहीं हो रही, तो इसको हम आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब यहां जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है उसको ग्रुपिंग कर दो। थर्ड कॉलम जो है, थर्ड में हम ग्रुपिंग करेंगे किस तरीके से, थर्ड में हमें लेके चलना है 2+3, दो दो फ्रीक्वेंसी की। अभी ये जो फर्स्ट है इसको हम छोड़ देंगे, अब हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे, इसको हम सेकंड कंसिडर करेंगे और जो इसके जस्ट बाद है वो थर्ड। सेकंड थर्ड, फर्स्ट को काउंट नहीं करेंगे, फर्स्ट जो है बस हम ऊपर ही लेके चलेंगे, बाकी सेकंड थर्ड एंड सेकंड थर्ड। तो अभी यहां किसका नंबर आएगा, 2+10 यानी कि 12, 4+10 14 एंड 9+2 11। तो यहां जो मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हो रही है वो 14 है, तो 14 हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम सर्कल कर देंगे। अभी फोर्थ कॉलम की हम बात करते हैं, तो फोर्थ कॉलम से हम क्या करेंगे, 3 3 फ्रीक्वेंसीज की ग्रुप करेंगे, 1+2+3, 1+2+3 यानी कि 1 2 10। अब हम इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 1 2 3, और ये खाली 1 रह गया, 2 3 नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो 10+2+1 13, 4+10+9 10+19 19+4 हो जाएगा 23। तो यहां पे मैक्सिमम क्या है, 23, इसको हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। अभी फिफ्थ में क्या करेंगे, फोर्थ में हमने किया 1 2 3, फिफ्थ में क्या करेंगे, 2 3 4 2 3 4, 2+3+4। अब 2+3+4 हमारा क्या है, 2+3 4 हो जाएगा 2 10 and 4, 2 3 4। दोबारा से हम यहां 1 सिर्फ ऊपर वाले को मानेंगे, बाकी 2 3 4 2 3 4। तो 10+4+2 14+2 हो जाएगा हमारा 16,
और ये हो जाएगा 10 प्लस 9 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 21। मैक्सिमम क्या है 21, इसको सर्कल। उसके बाद सिक्स्थ में हम करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 5। अब कैसे देखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5, ये 1 है ये 2 है, इसको हम छोड़ देंगे। 3 4 5 ये कितना हो जाएगा 24। यहाँ एक ही हमारे पास आ रहा है, एक की फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग हो रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए 3 4 5, अब आगे हमारे पास तीसरी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ग्रुपिंग ही नहीं हो रही, तो इसको आगे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारी ग्रुपिंग टेबल जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है। अब सेकेंड जो टेबल हमें प्रिपेयर करनी है दैट इज एनालिसिस टेबल। तो एनालिसिस टेबल में हम इधर लिखेंगे कॉलम, टोटल हमारे पास कितने कॉलम है 6, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और लास्ट में इनका टोटल, और यहां पे हम लिखेंगे साइज। साइज यानी कि 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है इसमें देखिए, अब जो फ्रीक्वेंसी को हमने सर्कल किया था, क्लियर, ये जो 10 है ये किसके सामने है 4 के सामने है, और यहां जो 10 है किसके सामने है 6 के सामने है, तो हम फर्स्ट कॉलम में एक टिक लगा देंगे 4 के सामने और एक लगा देंगे 6 के सामने। हमें यहां पे सिर्फ मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो अकर नंबर हो रहा है उसको चेक करना है। 10 है तो 10 4 के सामने भी है और 10 6 के सामने भी है, तो हम एक टिक 4 के सामने और एक 6 के सामने। उसके बाद सेकेंड कॉलम में आ जाइए, सेकेंड कॉलम में क्या हो रहा है 19 हमारे पास कैसे आया 1 प्लस 2, तो 19 मेरे पास आया था 10 और 9 को ऐड करने से। अब 10 किसके सामने है 6 के सामने और 9 किसके सामने है 7 के सामने, तो 6 और 7, ठीक है। आगे देखिए थर्ड में हमने किया था सेकंड प्लस 3, 14 आया था, यानी कि 14 आया था जब हमने 10 प्लस 4 किया था, और 10 प्लस 4, 10 के 4 के सामने क्या नंबर है 5, 10 के सामने क्या है 6, तो थर्ड कॉलम में आप एक टिक जो है वो 5 के सामने लगा दोगे और एक किसके सामने लगा दोगे 6 के सामने। अब फोर्थ कॉलम 23 कब आया मेरे पास, जब हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 किया, तो 23 आया था हमारे पास इनको ऐड करने से। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया था ये 4 10 9, यानी कि 5 6 और 7, एक टिक 5 के सामने 6 के सामने और 7 के सामने, फोर्थ कॉलम तक हो चुका है। फिफ्थ पे आइए 21, 2 3 4 10 प्लस 9 प्लस 2 यानी कि 6 7 एंड 8, तो फिफ्थ कॉलम में हम कर देंगे 6 7 एंड 8। लास्ट कॉलम 3 4 5 यानी कि 10 प्लस 4 प्लस 10 4 5 एंड 6, यानी कि एक 4 के सामने एक 5 के सामने और 6 के सामने। अभी जितने भी टिक लगाए गए हैं उनको टोटल करना है, तो 2 यहां कोई भी टिक नहीं है इसको डैश कर दो, 3 में भी कोई नहीं है छोड़ दो इसको, 4 देखिए कितने आ रहे हैं टोटल टिक 2, 5 में 3, 6 में 1 2 3 4 5 6 और 7 में 3, 8 में 1। अब देखो सबसे ज्यादा जो है वो किसका आ रहा है 6 का, कौन से साइज का आ रहा है टोटल 6 का, तो यहां जो मोड है वो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाए। यहाँ पे हमारे पास ये कंफ्यूजन थी ना कि भाई 10 जो है वो 4 के सामने भी है और 6 के सामने भी है, तो अब हम किसको, मॉडल वैल्यू एक ही हो सकती है, हम 4 को कंसिडर करें या 6 को कंसिडर करें, तो ग्रुपिंग मेथड ने हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जब हमने इसमें ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनाई तो हमने देखा 6 जो है वही मॉडल वैल्यू आएगी क्योंकि इसकी टोटलिंग सबसे ज्यादा हो रही है। सो दिस वॉज दी ग्रुपिंग मेथड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द ग्रुपिंग मेथड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।